So good evening guys, let's start with Nifty and Bank Nifty post-market analysis video for tomorrow means for 31st of Jan 2023 जो कि कल है आखिरी दिन, ठीक है। और हम लोग बजट से सिर्फ अब एक दिन दूर हैं, ठीक है। सो जितना हम लोग पास आ रहे हैं बजट के, उतना ज़्यादा वॉलिटिलिटी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। और आज के दिन भी सिर्फ निफ्टी के अंदर आपकी जो रैली देखने को मिली, मतलब जो एक, अगर मैं बोलूँ एक बात करूँ गैप्स की, एक हाई और जो दिन का लो होता है उसमें भी 300 पॉइंट का रैली था, राइट। मतलब अप्स डाउन वॉल्टिलिटीज, सो इट्स इज ऑन पीक एज ऑफ नाउ, राइट। सो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे सेफ प्ले करना है। जो लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव हैं वो चाहें तो बजट के बाद ही अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो लोग अभी भी अगर इस वॉल्टिलिटी में भी एक यू नो स्टेबल स्टॉप लॉस के साथ में काम करना चाहते हैं, सो मेक श्योर गाइज यू मस्ट बी लाइक कि मार्केट को पहले आप एक घंटा ना मार्केट को सेटल होने दो, उसके बाद में यहाँ पाओ काम करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों तरफ कैसल खाए जा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी कैंडल से जो है मार्केट वो एसएल्स को हिट कर रहा है। इवन आपको वो मौका भी नहीं दे रहा है कि आप अपना एसएल काटो, और वो इतनी तेजी से मार्केट जो हो रहा है वो आपका अप डाउन हो रहा है, राइट। सो मेरा एडवाइस आप लोगों को यही रहेगा कि जो लोग अभी अगर अपने अकाउंट को सेफ रखना चाहते हैं, वो चाहें तो मार्केट को पहले एक से डेढ़ घंटा सेटल होने दो, उसके बाद मार्केट में एंटर करो, या फिर बजट से पहले पहले बजट तक में एटलीस्ट अपने आप को मार्केट से थोड़ा दूर रखिए, ठीक है। बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारा न्यूज़ मार्केट के अंदर फैले हुए हैं, बहुत सारा नॉइजेस फैला हुआ है, एक तरीके से बोला जाए अडानी की न्यूज़ हो, चाहे वो आपके फिर बजट का हो, सो देर आर लॉट ऑफ नॉइजेस इन द मार्केट, राइट। जिसकी वजह से मार्केट में आप अपने अकाउंट पे यू नो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, अगर आप प्ले कर रहे हो विदाउट द रिस्क मैनेजमेंट और विदाउट एनी यू नो प्रॉपर स्ट्रैटेजी और योर प्रॉपर प्रोसेस पार्ट, ओके। सो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया भी था कि बहुत बड़ी एक रेंज प्ले की जा रही है मार्केट के अंदर, जो कि नॉर्मल रेंज नहीं है और ये नॉर्मल मार्केट है भी नहीं, ठीक है। जो कि हर बार हम लोग को देखने को मिलता है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी होती है, वॉल्टिलिटी पीक पे होती है इस टाइम पे कि बजट आसपास में होता है। सो बैंक निफ्टी के अंदर जो अभी 6000 पॉइंट का रैली बनाया जा रहा है मार्केट के अंदर, आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर नीचे के लेवल पे 36,500 के आसपास में सबसे ज़्यादा आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, और अपर साइड पे 42,000 पे है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट वाइज जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कि 42,000 पे रेजिस्टेंस लेवल कितना हाई है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी के अंदर यू कैन सी दैट कि 1,39,000 42,000 के लेवल पे है, ठीक है, और यहाँ पे 1,20,000 42,500 पे है, देन 1,25,000 43,000 पे, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एंड देन उसके बाद में 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके 44,000 पे है, ऐसा क्यों है? देखो सिंपल सा एक चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, वॉल्टिलिटी हाई होने की वजह से जो प्रीमियम्स होते हैं वो हमेशा हैवी मिलते हैं, ठीक है। प्रीमियम्स क्या होते हैं, आपको ज़्यादा मिल रहे होते हैं और उसी की वजह से सेलिंग पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज दूर के स्पेक प्राइस पे लोग को अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे होते हैं, वहाँ पे वो सेल करने का ट्राई करते हैं, तो वही अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉल के कंपैरिजन में पुट साइड में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यू कैन सी दैट कुछ भी नहीं है, मतलब कि मार्केट एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेरिश मोड पे अपने आप को देख रहा है, और ये चीज़ समझ आ रही है देखे कॉन्ट्रैक्ट्स में कि नीचे की तरफ में मार्केट का जो रुतबा, मतलब जो एक दबदबा है वो ज़्यादा है और ऊपर की तरफ में कम है, ठीक है। बिकॉज इतने बड़े बड़े जो हर्डल्स लगे हुए हैं आपके कॉल साइड पे, वो साफ साफ शो कर रहे हैं कि मार्केट का एक बेरिश मोड चल रहा है और मार्केट को लोग वॉल्टिलिटी की वजह से ही बहुत दूर की एक रेंज जो है वो प्ले की जा रही है। लगभग 6000 पॉइंट के जो गैप है यहाँ पे वो प्ले किया जा रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं एक सिंगल एक्सपायरी पे, ठीक है। चलिए तो यही एक चीज़ जो मैं बैंक निफ्टी बताना चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अभी कोई भी लेवल्स नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे नीचे जा सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी की वजह से अगर आप स्ट्रिक्टली मतलब डायरेक्टली चीज़ों को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस है। तो मेरे लिए ये जो सेशन है वो सिर्फ एक एडवाइजरी है, मतलब एक एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि एक सजेशन आप ले सकते हो यहाँ से कि अगर आप बनाना ही चाहते हो कुछ भी, तो हम लोग उस सेशन के लिए कल के पोस्ट मार्केट में वो चीज़ डालेंगे, ठीक है। एंड हो सकता है वो चीज़ मैं कल के सेशन में पहले ही डाल दूँ, ठीक है, सो दैट कि आप लाइव मार्केट के अंदर वो चीज़ चाहो तो प्ले कर सकते हो, ठीक है। बट अगर यहाँ पे बात की जाए कि नॉर्मल इंट्राडे के परस्पेक्टिव से अगर मैं कुछ बात करूँगा तो वो बहुत गलत हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट दोनों तरफ का रैली बहुत बहुत ही फास्ट वे में हो रहा है और बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी के साथ हो रहा है, तो इसी वजह से इंट्राडे के लिए कल कुछ कह पाना और आज कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अंधाधुंध कोई भी ऐसा तीर नहीं चलाने वाला हूँ कि आपको लगेगा कि यहाँ इस लेवल से बाय, यहाँ इस लेवल से सेल, बिकॉज लेवल्स प्ले नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इंटरडे वाले लेवल्स बिल्कुल प्ले नहीं होंगे आपके, और कहीं ना कहीं आप अपने बहुत बड़े एक स्टॉप लॉस या फिर बहुत बड़ा एक यू नो अपना अकाउंट का जो पार्ट है वो खो सकते हो। तो इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पे ये समझ के चलना है कि बड़ी रेंज है, और बड़ी रेंज मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे 42,000 के आसपास में रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका नीचे की तरफ में सपोर्ट जो है वो 36,000 के आसपास है, जो कि डेफिनेटली इस एरिया के बाद में,
ठीक है, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जो कि साइकोलॉजिकल है और इस एरिया को डेफिनेटली मार्केट में हिट किया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज देर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट में बड़ा प्लेयर जो छोटे रिटेलर प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने का ट्राई करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे तो डेफिनेटली SLs हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर इसके नीचे आता है और फिर कोई एक सिग्नल देता है बाइंग का, वी विल गो विद दैट, ठीक है, हम लोग उसके साथ में जाना पसंद करेंगे। और बिल्कुल सही अभी मार्केट की ये चीज़ चल रही है और हम लोग मार्केट की रेंज के बीचों बीच खड़े हुए हैं। सो इफ़ इन केस मार्केट में अगर कल हम लोग को यहाँ मिलता है और हम लोग को अगर स्ट्रैडल बनाने का मौका मिला मंथली बेसिस पे, वी विल मेक इट, ठीक है, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है मंथली बेसिस पे ये काम कर सकता है। ओके, सो दैट्स इट इन द निफ्टी बैंक एंड नाउ कम टू द निफ्टी। सो निफ्टी में भी सेम चीज़ है, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत बड़ी एक रेंज मिलेगी, मतलब जो कि निफ्टी के लिए ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट नॉर्मल। 304 पॉइंट्स का जो रैली आया वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था मार्केट के अंदर, करेक्ट। सो यहाँ पे दिस लो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मार्केट का ट्रेंड देखिए, मैं बड़े लेवल पे ही बात कर रहा हूँ बिकॉज छोटे लेवल पे बात करने का कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे टेक्निकल्स के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग अगर बड़े ट्रेंड्स की बात करें तो बड़ा ट्रेंड जो चल रहा है यहाँ पे बेसिकली डेली बेसिस पे वो क्या चल रहा है, लोअर लो बेसिस पे चल रहा है, ठीक है, जो कि कहाँ तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है, देखिए अब ये 17,000 तक के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है, जो कि मैंने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मार्केट 17,000, अगर लोग 17,400 को देख रहे हैं और मार्केट के अंदर जो रेंज प्ले की जा रही है वो 17,000 के लेवल की है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे क्या हुआ था, एक W पैटर्न जिसका टॉप लोग एज एन बाय लेके चल रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी पोजीशंस में मैं बोलता हूँ शॉर्ट की पोजीशंस थी वो स्क्वायर ऑफ की गई हैं, जिसकी वजह से ये पुल बैक देखने को मिला है। बट कोई एक फ्रेश पोजीशन डेफिनेटली बन सकती है जो कि 18,000 के लेवल से दिख रही है। सो अगर मैं बोलता हूँ कि मार्केट में 18,000 का लेवल टेस्ट होता है तो वो एक काइंड ऑफ पुल बैक होगा, इट्स नॉट अ सिग्नल कि मार्केट में बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेफ साइडली देखा जाए, चला जाए, तो मार्केट में अब कहीं ना कहीं लॉन्ग 17,000 के बाद ही मार्केट में देखने को मिल सकता है, बिकॉज दैट इज़ अ रेस्टिंग पीरियड और यहाँ पे मार्केट एक बार को रेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से डेफिनेटली हम लोग एक छोटे से SL के साथ में काम कर सकते हैं। बट इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो ऊपर की तरफ में भी कोई पोजीशन नहीं है ना नीचे की तरफ में भी कोई पोजीशन, बिकॉज हम लोग मार्केट के मिड में खड़े हैं। समवेयर अराउंड हम लोग जान ले सकते हैं, स्ट्रैडल बना सकते हैं, बट वॉलिटिलिटी इतनी हाई है कि आप स्ट्रैडल में भी जो स्टार्टिंग के एक दो दिन होंगे उसमें भी बहुत बड़े लॉसेज हो सकते हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। ऑल दो बजट के बारे में मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है, बट जहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, बट मैं ये चाहूँगा कि जो स्टार्टिंग का फेज होगा ना आप उसको देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस नजर आएंगे ड्यू टू द हाई वॉलिटिलिटी, राइट। सो ट्राई करो मार्केट के अंदर बड़े लेवल्स पे देखने का। अगर मैं लेवल वाइज आता हूँ तो 18,000 का लेवल जो होगा मार्केट के अंदर एक तरीके से आपका रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, 18,000 एंड 18,200 के आसपास का। एंड डाउन साइड पे 17,000 टू 16,800 का जो लेवल है, ये जो जोन है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, बाइंग रहेगा मार्केट में। जब तक ये लेवल मार्केट इस लेवल के ऊपर है या फिर मार्केट यहाँ कहीं हॉल्ट कर सकता है डेफिनेटली, देखिए बिकॉज देखो मार्केट हर बार हॉल्ट करता है, मार्केट ने यहाँ पे भी हॉल्ट किया था, उसके बाद में बुलिश इंगल्फिंग बनाई और मार्केट ने यहाँ पे चढ़ा दिया, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। मार्केट इस लेवल को हॉल्ट करने के बाद में कोई एक बुलिश इंडिकेशन दे सकता है एंड इट कैन टेक द मार्केट अपसाइड, ओके, सो दैट थिंग विल हैपन, ओके। सो हम लोग को इस चीज़ के लिए रेडी रहना है और किसी भी पॉइंट पे आप अभी भी मैं बोलता हूँ एक ऐसा नहीं कि पुल बैक पे बहुत ज़्यादा अपनी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड भी कर रहे हो तो उसको प्लीज़ कम कर दीजिए, बिकॉज मार्केट का इस तरीके से अगर मैं बात करूँ ये जो चीज़ मार्केट में चल रही है ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ऑल दो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो पिछले कुछ बजट से तो तब तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट। सो आप पहले ट्राई करो लास्ट के कुछ बजट्स को रीड आउट करने का, अगर आप वहाँ पे रीड आउट कर रहे हो डेफिनेटली आपको वहाँ पे चीज़ दिखेगी। बजट वाले दिन मार्केट वंस वे रैली करता है किसी भी में, जब निर्मला सीतारमन जी या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होते हैं वो आपके वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, तो तब तक में मार्केट में स्टेबिलिटी रखनी पड़ती है। बट इस बार थर्सडे के दिन आपकी एक्सपायरी पड़ रही है, करेक्ट, और एक्सपायरी की वजह से ही देखिए एक्सपायरी पड़ रही है डेफिनेटली मार्केट में। अगर आपको थीटा डिग्री का रिस्क आप नहीं लेना चाहते हो तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाओगे, बट अगर आप थीटा डिग्री का यू नो रिस्क ले सकते हो वहाँ पे तो आप कहीं ना कहीं इस एक्सपायरी पे भी अपना लॉन्ग स्ट्रैडल, राइट, लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हो, ओके। सो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी, एक बार बैक टेस्ट कर लीजिए, कल तक का टाइम है आपके पास में चीज़ों को, चाहे तो पिछले उसमें लेके कुछ सिनेरियोस को लेके आप टेस्ट कर सकते हो और वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप कर सकते हो, राइट। मैंने यहाँ पे बताया कि लॉन्ग स्ट्रैडल है जो एक सबसे एक बेस्ट काम करती है हर बजट के अंदर, हर बार बजट के अंदर, तो इस बार भी वही देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑल वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन और यू कैन सी टुमारो सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और उसमें जो भी रिजल्ट्स होगा आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू बिफोर द मार्केट क्लोज, ओके। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।
So good evening guys, let's start with Nifty and Bank Nifty prediction for Monday. Okay, so हम लोगों ने आज देखा कि आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्री फॉल आया था, राइट? सो बेसिकली उसका काफ़ी सारे रीजंस भी आपके सामने, बजट की अनप्रिडिक्टिबिलिटी कि बजट में कुछ ऐसा है जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा पा रहा, या फिर मार्केट के अंदर कुछ ऐसा है जो कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, ठीक है, या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा बजट में आ सकता है जो कि मार्केट जिसको पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ डिस्काउंट हो रही है और फियर फैक्टर जो है मार्केट के अंदर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. सो आप देखोगे इंडिया विक्स आज आपका शूट अप हुआ 18 तक में, जिसका मेजर रीजन क्या था कि आपके आने वाला बजट जो कि 1 तारीख को आ रहा है, ठीक है, और काफ़ी टाइम से विक्स जो था वो आपके बेस एरिया पे चल रहा था, तो वहाँ से जो वॉलिटिलिटी है उसे गिरने के चांसेस कम और बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हमेशा से, ठीक है. सो यही चीज़ मार्केट में अब प्ले हो रही है और मार्केट जो हो रहा है वो एक ट्रेंडिंग वे में आ रहा है, वो भी डाउनसाइड के लिए. सो हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो डिप्लॉय देखा है, मतलब कि जो डिप्लॉय किया जा सकता है इस टाइम में, वो क्या है. देखो मार्केट के अंदर ये फेजेस को अगर कोई ऐसा है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो उसके लिए डेफिनेटली हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप मार्केट से दूर रहिए, ठीक है, बिकॉज ये मार्केट को प्ले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और आपके कैपिटल के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है. सो यहाँ पे बेसिकली अब क्या चल रहा है, अगर आप ऑप्शन चेन की तरफ में देखोगे, सो निफ्टी बैंक के अंदर 3350 पॉइंट्स की रेंज जो उसको शॉर्ट किया जा रहा है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपको दिखाऊँ, सो दिस इज दी बैंक निफ्टी का चार्ट जो कि सेकेंड ऑफ फैब के लिए है, ओके. सो सेकेंड ऑफ फैब में देखोगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके 36,500 पे चल रहा है. सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ चल रहे हैं, 36,500 पे. बट ये कहीं ना कहीं हेजेस हैं आपके, और मेजर गेम जो प्ले किया जा रहा है वो मेजर गेम जो प्ले हो रहा है वो आपका 39,000 पे, एंड नेक्स्ट है आपका 38,046,458 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हैं, एंड देन 33 का एडिशन यहाँ हुए हैं आज, एंड इससे पहले आप देखोगे कहीं पे भी एडिशन नहीं. सबसे ज़्यादा एडिशन 36,500 पे है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे जो सेकेंडली एडिशन किए जा रहे हैं वो आपके 38,000 पे, राइट. सो लेट मी फर्स्ट मॉडिफाई डेट. ऐसा क्यों हुआ कि 36,500 पे आपकी पोजीशन है, देखिए अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, डेफिनेटली मार्केट इस पॉइंट के नीचे भी एक बार को हॉल्ट कर सकता है, राइट. तो बेसिकली ये वाला जोन है जिसमें मार्केट इतना बड़ा एक रेंज प्ले कर रहा है, राइट, 36,000 एंड 36,500. ऑल दो मार्केट कुछ भी कर सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज मार्केट फ्री फॉलिंग की कैटेगरी में फॉल कर रहा है इस टाइम पे, कि मार्केट में एक पैनिक है, और यहाँ से अगर फियर फैक्टर आपका जो बढ़ सकता है वो आपका 22-23 तक भी जा सकता है. अगर वो वहाँ तक हुआ, डेफिनेटली मार्केट एक यहाँ तक भी फॉल डाउन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है. सो यही चीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग एक बार देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर 36,500 है, एंड नियर बाय सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आपके यहीं ट्रेड हो रहे हैं. यहाँ पे कोई भी ऐसा ओआई डेटा नहीं है जो आपको इतना दिखे, मतलब विच इज 46,000 का एडिशनल ओआई, एंड ओआई डेटा जो है वो आपका जो क्यूमुलेटिव है 54,000, राइट. और बैंक निफ्टी में अगर मैं हायर साइड की बात कर रहा हूँ, सो 42,000 का लेवल है, एंड देन आगे की रेंज है वो आपकी 42,500 एंड देन 43,000, राइट. सो ऊपर के तीन हैं. अगर मैं यहाँ से लेके चलता हूँ मार्केट के एडिशंस, सो दीज आर द रेंजेस, राइट, 42,500, 42,000 एंड देन 43,000, ठीक है. दिस इज योर 43,000 का लेवल जो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. यू कैन सी दिस, राइट, डेफिनेटली मार्केट इस पे काम कर सकता है. अब हम लोग को क्या देखना है कि मार्केट के अंदर तो ये रेंज प्ले की जा रही है इतनी बड़ी, सॉरी ये रेंज आपकी 6,000 पॉइंट्स की हो गई है, बिकॉज ये वाला एक माइनर है, ठीक है, एक माइनर हॉल्ट हो सकता है. अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक के लिए आ सकती है. ओवर डेटा वाइज अगर मैं बात करता हूँ, सो मार्केट के अंदर 6,000 पॉइंट की जो ये जो ड्यूरेशन, ये आपका जो गैप पॉइंट है, ये मार्केट के अंदर प्ले किया जा सकता है, ठीक है. अब बजट है तो बजट के अंदर कुछ तो बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है. ये चीज़ यहाँ पे डेटास को देख के नज़र आ रही है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज मार्केट के अंदर जो डेटास नज़र आ रहे हैं वो मतलब इतनी बड़ी रेंज तो बहुत जल्दी से प्ले नहीं होती है मार्केट के अंदर. सो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये इवेंट जो है बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर सकता है मार्केट के अंदर, और हम लोग देख ही रहे हैं विक्स का बढ़ता हुआ जो अभी जो फैक्टर है, अभी एकदम से आज मार्केट के अंदर विक्स लास्ट टाइम तक में 14 के आसपास था, सडनली वो आज 18 के आसपास भी आया है. सो और अगर वो बढ़ता है तो 22-23 तक में एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, एंड इवन गो अप टू द अबव 30. सो हम लोग को वो देखना पड़ेगा, वो जितना बढ़ेगा मार्केट उतना फॉल करेगा.
ठीक है। सो कमिंग एक्सपायरी के लिए जो अभी एक्सपायरी चल रही है करंट, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है बिकॉज मार्केट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक मोड पे है, ठीक है। सो नाउ कम टू द निफ्टी, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, सो निफ्टी के अंदर भी सेम ऐसे ही कुछ बड़ा प्ले हो रहा है। सो अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, यहाँ पे यू कैन सी दिस, छोटे लेवल पे प्ले नहीं हो रहा है, मार्केट ने बहुत ही दिनों से जो बेस चल रहा था उसको आज ब्रेक किया है यहाँ पे, इस पूरे जोन को आज मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, जिसको हम लोग एक लास्ट सपोर्ट मार्केट चल रहे थे, एक लास्ट होप जो थी मार्केट की वो थी, बट वो भी मार्केट ने आज यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो अगर मैं निफ्टी के ओआई डेटा को यहाँ पे चेक करता हूँ, तो लेट्स सी कि यहाँ पे जो रेंज है ना, वो रेंज कितनी चल रही है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करता हूँ मार्केट के अंदर, सो ये रही निफ्टी की रेंज यहाँ पे, और आप ये देखोगे यहाँ पे जो डेटाज में, जो कॉल के डेटाज हैं उसमें और जो पुट के डेटाज है उसमें कितना फर्क है, ठीक है। कॉल का डेटा जस्ट डबल है एज कम्पेयर टू द पुट, राइट, जस्ट डबल है यहाँ पे। एंड इफ यहाँ पे आगे बढ़ा जाए और यहाँ पे देखा जाए अगर, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेटा जो चल रहा है वो आपका 1,91,120 एंड देन 1,81,000। तो यहीं पे देखा जाए तो 1,91,000 विच इज 18,000, ठीक है, 1,91,000 विच इज 18,000 के ऊपर है। एंड अगर इस लेवल पे देखा जाए ओ आई डेटाज को, सो बेसिकली यहाँ के ओ आई डेटाज बहुत दूर ही खड़े होंगे विच इज 17,000 का लेवल, राइट, 17,000 का लेवल है जो कि 91 पे दिख रहा है यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में कोई भी नहीं है, राइट। और यहाँ पे एक हाईएस्ट एडिशन भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एडिशंस भी आप लोगों के समय अराउंड 17,000 के आसपास है। चलिए यहाँ पे आते हैं, 17,000 का लेवल बेसिकली कहाँ पर है, मार्केट का ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ कहीं मार्केट को देखा जा रहा है इस लेवल के जरिए, मार्केट में टेस्टिंग की जा रही है कि मार्केट ये लेवल को भी टेस्ट कर सकता है 17,000 का लेवल। सो ज़रूरी नहीं है 17,000 का लेवल यहाँ पे बहुत जल्दी टेस्ट होगा या फिर एकदम ही 17,000 के आसपास आते ही वो शूटअप कर लेगा, राइट। तो हम लोग के लिए अब जो रेंज बनती हुई नज़र आ रही है वो सबसे बड़ी बात है कि रेंज कौन से मार्केट की चल सकती है। देखो मार्केट की रेंज अब 18,000 से लेकर 17,000 तक की रेंज, मतलब 1,000 पॉइंट का रैली, और वो भी कमिंग इसी एक्सपायरी तक के लिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब मार्केट के अंदर पैनिक जो है क्रिएशन वो बहुत ज़्यादा देखते ही बन रहा है और दिख भी रहा है। विक्स का बढ़ना और मार्केट के अंदर इतनी बड़ी रेंज का प्ले होना, ये अक्सर होता है जब भी आपकी विक्स बढ़ जाती है। जब भी विक्स बढ़ती है डेफिनेटली ये चीज़ होती है बिकॉज प्रीमियम जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं उस टाइम पे। और अगर मैं बात करूँ वहाँ पे तो जो OTM का प्राइस होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है वहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज चेंज होता है वो प्रीमियम्स के अंदर वो बहुत तेज होता है, तो दैट इज़ अ रीज़न कि मार्केट के अंदर दूर दूर की जो आपकी एक्सपायरी, दूर दूर की जो आपकी स्ट्राइक्स होती है उस पर भी लोग बाय करके चले जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे विल सी दैट कि कल हम मार्केट में, सॉरी जो मंडे का मार्केट होगा वो आपका अब पूरा का पूरा जो चलेगा वो सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पुल बैक अगर आपको मिलता है नियर बाय 17,800 और 18,000 के आसपास में, सो यू कैन गो फॉर द सेल साइड नॉट फॉर द बाय साइड, बिकॉज बाय साइड में अब बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे मार्केट को चीज़ को ग्राफ करने में, और जब तक मार्केट आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देती नियर बाय सपोर्ट। सो यहाँ पर देखा नियर बाय सपोर्ट कहाँ है, नियर बाय सपोर्ट आपका सिर्फ 17,000 और या तो फिर 16,800 के नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ही रिटेलर्स के SLs लगे होंगे जो कि ये काट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को चीज़ देखने को मिल सकती है। एंड मेजरली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको पुल बैक नज़र आ रहा है तो आप कॉल की तरफ को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, और वहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो होगी उस पे थोड़ा ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज ट्रेंड पूरा नीचे का है। सो वी मस्ट मेक श्योर दैट कि हम लोग को ट्रेंड के साथ काम करना है, और ट्रेंड आपका पूरा का पूरा नीचे की तरफ में, और यहाँ पे ये 3 ब्लैक क्रोस जो बने हैं वो आपको सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट स्ट्रांगली बेरिश जोन में चल रहा है, ठीक है। बट हम लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे कि जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है उसको ट्रेड करने के लिए हमेशा रिट्रेसमेंट का सहारा लिया जाता है। तो विल सी कि रिट्रेसमेंट जो होगा ना उसमें अगर आप अपने आप को यहाँ पे सेल मोड पर डालोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो कोई भी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी डेफिनेटली हम लोग उसको वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे। एंड मंडे के दिन बहुत ज़्यादा पैनिक जो होगा वो देखने को मिल सकता है बिकॉज मार्केट की रेंज बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ी हो गई है, ठीक है। निफ्टी के अंदर 1,000 पॉइंट की रैली और बैंक निफ्टी के अंदर 6,000 पॉइंट्स की रैली को देखा जा रहा है कमिंग वीक के अंदर। सो वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। सो दैट इज इट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।